नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने सारनाथ का एक ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। इसमें हम सारंगनाथ महादेव जी का मंदिर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे मित्र धर्मेंद्र कुमार पटेल जी हैं, ये आपको पूरा इस मंदिर के बारे में बताएंगे। आइए दिखाते हैं आपको, ये मंदिर बहुत ही पुराना और पौराणिक है। इस मंदिर का अपना एक महत्व है। चलिए हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। आपको दिखाएं मंदिर के बारे में आपको बताया जाएगा। भैया है, माला फूल बेचते हैं, इन्हीं के हाथ में माला लेके भगवान जी को चढ़ाएंगे। ये हमारे लक्ष्मण जी हैं। भैया हाय बोलिए। भैया एक ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के एक ब्लॉग बना रहे हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर का प्रांगण है। आइए हम चलते हैं इस मंदिर के बारे में जानते हैं। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर एक ही अर्घ्य में दो शिवलिंग विराजमान है, एक बाबा का है और दूसरा बाबा के साले सारंगी जी का है। बहुत पहले पुराणों में वर्णित है। ऐसी मान्यता है कि बाबा का जब शादी हुआ तो उस समय इनके साले सारंग जी तप करने गए हुए थे, लेकिन जब वो तप से वापस आए तो उनको पता चला कि मेरी बहन की शादी एक अड़भंगी के साथ हो गया जिसके पास कुछ है ही नहीं, हाँ, और रहने के लिए न कुछ है, न कुछ पहनने के लिए है, जंगलों में रहता है, घर रहने के लिए घर नहीं है। तो उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। ये हुआ कि किस दरिद्र के यहाँ मेरी बहन की शादी हो गई। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों न
कुछ ले जा करके दे दिया जाए ताकि उसका गुजर बसर अच्छे से हो सके। तो सारंग जी ने सोचा कि कुछ धन धान्य सोना चांदी आभूषण वगैरह लदवा करके बाबा को पहुँचाने के लिए चल दिए। उनको क्या पता था, ये तो अंतर्यामी है और विश्वव्यापी हैं। लेकिन जब ये चले अपने यहाँ से और जब यहाँ सारनाथ पे पहुँचे तो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो काशी है इनको स्वर्णमय दिखाई देने लगा। और इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कौन सी महिमा है। फिर इनको पता चला कि ये तो पूरी काशी ही सोने की है। इनको बड़ा पश्चाताप, तब ये समझ गए कि बाबा वास्तव में है क्या। पश्चाताप के कारण ये यही सारनाथ में ही रुक गए और यहीं पे बाबा का तप करने लगे। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सब जग छोड़ करके यहाँ सारनाथ में आए और इनको वरदान दिए कि क्योंकि वो सावन का महीना था तो इसलिए इनको वरदान मिला कि सावन के महीने में पूरे महीने भर बाबा सारनाथ में ही विराजमान होंगे और ये सारनाथ सारंगनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। और क्योंकि सारंगनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा तो सबसे पहले सारंगनाथ की ही यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने बाबा का भी शिवलिंग उसी अर्घ्य में स्थापित किया। तो बाबा और उनके साले सारंग जी दोनों लोग एक ही अर्घ्य में विराजमान हैं। और ऐसी मान्यता है सावन में जो भी भक्त यहाँ आता है और मन से, सच्चे मन से कोई भी कामना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इसके साथ साथ एक और मान्यता है कि पूरे सावन के महीने में बाबा सारनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, यहीं पे विराजमान रहते हैं। हाँ, और भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हर हर महादेव। हाँ धर्मेंद्र जी, बताइए इस मंदिर की क्या पौराणिक मान्यता है, थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करें। मान्यता तो बहुत सारी हैं, कई मान्यताएं हैं। और अगर हम हेल्थ की बात करें और तो उसमें सबसे प्रमुख समस्या ये है विशेषता कि कोई भी भक्त यहाँ अगर सच्चे मन से आता है, बाबा को सच्चे मन से पूजता है और चर्म रोग की समस्या किसी भी प्रकार की हो, बस यहाँ आता है और ये बाबा से मन्नत मांग लेता है कि सावन के महीने में मैं पुनः वापस आऊँगा और बाबा को गोंद, जो गोंद चढ़ाया जाता है, गोंद अर्पित करूँगा और हे भगवान मेरी सारी समस्याओं का समाधान करें, चर्म रोग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान होना तुरंत शुरू हो जाता है। और सावन महीना आने से पहले किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो वह स्वतः समाप्त हो जाता है बिना किसी डॉक्टर के परामर्श से। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में एक मान्यता है कि आप गोंद चढ़ाएंगे तो आपको जो भी मन्नत होगी वो पूर्ण होगी। ये गोंद चढ़ाने के बाद लोग बाबा को गोंद चढ़ाने के बाद इस तालाब में ला करके, आइए दिखाते हैं तालाब, ये सारंगनाथ तालाब है, इस तालाब में ला करके उसको विसर्जित कर देते हैं। बहुत ही सुंदर तालाब है, ये देखिए कुछ लोग तालाब में मछलियां हैं, मछलियों को भी लोग चारा खिला रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये वही तालाब है जिसमें लोग
बाबा को गूंज चढ़ाने के बाद इसमें ला के डाल देते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको भी कोई दिक्कत कोई कष्ट है, आइए बाबा सारंगनाथ को गूंज चढ़ाइए और इसमें ला करके गूंज को विसर्जित कर दीजिए, आपकी जो भी कष्ट होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। दोस्तों अब मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं सारनाथ।